सुन, ये सब लेके जा। हाँ? ये सांप, ये लोग मुझे काट देते तो ये सब किस काम आता है? ये वहां छोटे छोटे बच्चों को जला, औरतों को काटा, इनके साथ मैंने जिंदगी के 40 40 साल निकाले, ये मेरे सामने बड़े हुए, अभी इनका इनका दुख मेरे से। तू तो लेके जा। हाँ? तू उनका ये पैसे से बस्ती, पूरा बस्ती बसा दे। क्या देख रहा है मुझे? हाँ? क्या देख रहा है मुझे? लेके जा, लेके जा सब, सब लेके जा। जानता है, इस शहर में सब लोग एक सपना लेकर आए थे, सबको मैंने यह आसरा दिया था। मैंने नहीं पूछा था कि तू हिंदू है कि मुसलमान, किन दरिंदों ने यह आग लगाई है, इंसानियत जल के राख हो गई। दनिया, मेरे बचपन में मेरा बाप मर गया, शायद इसलिए बाप बेटे के रिश्ते की मुझे पहचान नहीं थी। चलो आज वो कमी भी पूरी हो गई। अरे धनिया, तू मेरा बाप है, बाप। ए, मुझे बाप बोला ना तूने? हाँ, तो बड़ा बेटा होने के नाते मुझे एक वचन दे, मैं जिधर भी मरूं ना, मेरी चिता को तू ही आग लगाना। हाँ, अरे तुम्हें से कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? क्या मैं गलत कह रही हूं? क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? अरे इतने बरसों से मैं इस बस्ती में रह रही हूं, मैंने लड़ाइयां देखी हैं, इस बस्ती में सास बहू की लड़ाइयां देखी हैं, भाई भाई को लड़ते हुए देखा है, बच्चों की बातों में तुम बड़े लोगों को लड़ते हुए देखा है, मगर किसी को धर्म के नाम पर लड़ते हुए नहीं देखा। फिर आज ये हिंदू या मुसलमान, ये हिंदू मुसलमान कहां से आकर खड़ा हो गया? अरे तुम लोग समझते क्यों नहीं? जिन लोगों ने हमारी बस्ती में आग लगाई है वो ना हिंदू थे ना मुसलमान, चंद चंद गद्दार नेताओं के खरीदे हुए गुंडे थे वो। हर नेता तो सिर्फ यही चाहते हैं कि धर्म के नाम पर हमारे दिलों में नफरत पैदा हो जाए, हम एक दूसरे को काटे मारे खून बहा दें, और वो बैठे बैठे तमाशा देखें। हम ऐसा नहीं होने देंगे। बंद कर अपना ये लेक्चर, असलियत जानना चाहती है तू तो चल चल मेरे साथ, इधर आ, ये देख, ये है असलियत, ये मेरे मासूम बच्चे हैं। पूछ पूछ इनसे, किसने मारा मेरी बीवी को, किसने मारा इनके माँ को, इनसे पूछ। बोल बेटा बोल, किसने मारा तुम्हारी माँ को, बोलो। हिंदू ने मारा है। सुना तूने? एक बात बता मेरे को, इन मासूमों को हिंदू और मुसलमान के बारे में किसने बताया? उन्हें जो अपना नाम नहीं बता सकते, उनको अपने मां के कातिल और धर्म के बारे में किसने बताया? उन्हें एक इस्माइल, इन मासूमों के दिल में इस बचपन से तू दुश्मनी का बीज बो रहा है। इधर आ, असलियत जानना चाहता है ना, इधर आ। कौन है? कल्याण जी। कल्याण जी भाई, हिंदू है ये? कौन है? ये कौन है? गंगा भाभी। गंगा भाभी, तुम्हारे बच्चे को कौन पाल रहा है? गंगा भाभी। गंगा भाभी, ये हिंदू था, इनको काय को नहीं काटा? इधर आ, असलियत बताता हूं तुझे। ये ले, ये मुसलमान का खून, ये हिंदू का खून, बता इसमें मुसलमान का कौन सा, हिंदू का कौन सा, बता। साले बनाने वाले ने इसमें फर्क नहीं किया, तू कौन होता है फर्क करने वाला? ये कलम वाली बाई ठीक कहती है, इसकी कड़वी सच्ची बातें तुम्हारे खोपड़ी में नहीं घुसती। किसने किसको मारा? किसने किसको जलाया? साला कल तक हम एक दूसरे के त्योहार में शरीक होते थे, एक दूसरे के सुख दुख बांटते थे, अपने टकले पे गणपति लेके काय को जाता था पानी में, गणपति बाप्पा मोरिया काय को नाचता था।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला आला सैयदना मौलाना मुहम्मदी व आला अले सैयदना मौलाना मुहम्मदी व बारिक व सल्लिम। ये दुरूद शरीफ तेरे को किसने सिखाया? अब चंद गद्दारों की साजिश में अपने भाईचारे को दफनाना चाहता है। प्रताप मुझे माफ कर दो, मैं बह गया था, मैं बह गया था प्रताप, मुझे माफ कर दो। वाह, ये हमदर्दी जता रहे हैं, साथ में टीवी वाले, प्रेस वाले, ताकि कल के अखबार में इनकी तस्वीर पहले पन्ने पे छपी हो। दो गुल खून का दान करेंगे और अखबार में ऐसा हंगामा मचवाएंगे जैसे गरीबों के लिए इन्होंने अपने खून की नदियां बहाई हो, सारे कुर्सी के लिए अपने बहन बेटी को बेचने वाले जल्लाद लोग आई है। मुझे सब ठीक है, सब ठीक है। तुम्हारे नापाक कदम आगे मत बढ़ाओ, तोड़कर तुम्हारे गले में पहना देंगे। आज तुमने राम और अल्लाह को मारने की कोशिश की है, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, हम भले ही ऊपर वाले को अलग अलग नाम से पुकारते हैं, लेकिन हमारा धर्म एक है, मजहब एक है, इंसानियत। तुम जैसे पाखंडी लोग धर्म के नाम पर हम लोगों में नफरत का जहर नहीं फैला सकते। ऐसा बात करता है? अरे हम लोग गरीब का मदद के वास्ते आया है। देखिए भाइयों और बहनों, हमारे हृदय में आप लोगों के लिए हमदर्दी है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। अरे नहीं चाहिए तुम्हारी हमदर्दी। क्या गरीब लोग को हमारे खिलाफ भड़काता है? ए नौ चल बे, ए नौ चल बे। अरे न चल बे की औलाद। अरे भाई, अरे देश में, अरे पब्लिक भड़क गया है, भागो इधर से। सर इस फाइल में वो सारी रिपोर्ट्स हैं जिनसे आपको पता चल जाएगा कि इन दंगों के पीछे किन का हाथ था। और अफसोस की बात तो ये है सर कि इसमें हमारे चंद गद्दार पुलिस ऑफिसर्स और नेता भी शामिल हैं। इसी वजह से कानून के हाथ भी बन जाते हैं सर। अगर कमिश्नर साहब सख्ती से काम लेते हैं तो ऊपर से दबाव आ जाता है। देखिए आप ऊपर के दबाव को बिल्कुल भूल जाइए कमिश्नर, सबसे ऊपर है हमारा संविधान, हमारा कानून। संविधान से ऊपर ना कोई प्रधानमंत्री है, ना कोई मंत्री, ना कोई अफसर और ना कोई नागरिक। लेकिन सर मैं जानता हूं आजकल राजनीति में सच्चे नेताओं की जगह चंद असामाजिक तत्व भी घुस आए हैं, जिनकी वजह से आज राजनीति और दूसरे सच्चे नेता भी बदनाम होते हैं। मगर मैं आपको राजनीति से गुंडागर्दी को उखाड़ फेंकने की पूरी सत्ता देता हूं। अगर उसमें कोई रुकावट या अड़चन आए तो उसके लिए आप गृह मंत्री से मिल सकते हैं। थैंक यू सर। बात दिल्ली तक पहुंच चुकी है चतुर सिंह जी, और दिल्ली से अब हमारा शहर तक, बाद में हमारा घर तक, बाद में जुबान काट दी जाएगी उसकी जिसने ये बात दिल्ली तक पहुंचाई। मुझे सिर्फ ये बताओ कि दिल्ली कौन गया था? अपना एक कमिश्नर साथ गया था उनके, मगर अगर मगर क्या करता है, साफ साफ बोलो दादा। ये सारा कौरस्तानी उस मेघना दीक्षित है जो अखबार में लिख लिख कर चिंगारी को ऐसा आग बना दिया है जो कल हमारा दामन तक पहुंच सकता है। और वो साला कल का लौंडा कड़का भिखारी, क्या नाम है उसका? प्रताप दादा, प्रताप। प्रताप का पर काटना मांगता है। प्रताप का पर काटेगा ना तो सिर्फ ताप बच जाएगा और उस ताप में वो जलकर मर जाएगा। हम तो बोलता वो प्रताप का पर मेघना दीक्षित है, मेघना दीक्षित को मारेगा ना। बंद करो ये बकवास, कान के पर्दे फाड़ा ले। जब भी देखो भाषण देते रहते हो सारे। तुम्हें पता नहीं कि चतुर सिंह को ऊंची आवाज पसंद नहीं है। ए अंकुश, ये दीक्षित लड़की का पता करो, जरा हम भी तो देखें जो दिल्ली तक पहुंच गई वो चीज क्या है। बहुत हो गया तेरा ये नाटक, बंद कर लिखना और सुन मेरी बात। तो तू है, हमने तो सोचा था कि इतना कुछ होने के बाद तो तू शर्म से ही मर जाएगी।
लेकिन तू तो रंडी की औलाद, ज्यादा बोलेगा ना तो जबान खींच लूंगा साले। तू जबान खींचेगा मेरी? ये बहुत खतरनाक लोग हैं प्रताप। प्रताप छोड़ दो इन्हें। प्रताप छोड़ दे, छोड़ दे प्रताप। गुंडा तेरे को रंडी बोलता है, कौन है तू? क्या असलियत है तेरी? कौन है तू? कौन है? कौन है? होली, 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 खून क्यों? कमीने, खबरदार जो मेरी बेटी को छुआ तो छोड़ दो मेरी बेटी को। बहुत उछलता है ना अपने कलम के जोर पे, हैं? कुछ भी लिख देता है अपने अखबार में, क्यों? लिखूंगा, जरूर लिखूंगा। अगर जिंदा रहा तो तुझ जैसे गद्दारों के खिलाफ जरूर लिखूंगा। हाँ, लिखना जरूर लिखना, कल के अखबार में ये नाटक भी लिखना। हराम के, मैं आज तेरी आंखों के सामने तेरी इज्जत की धज्जा उड़ा दूंगा। हराम के, देख लिया अपनी गलती का नतीजा? नतीजा तो तुझे मैं दिखाऊंगा हरामजादे, अब मैं तेरा जीना हराम कर दूंगा।